नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक है और चुनाव का बिगुल बजने के बाद बगावत की आग भी धधक रही है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, इतना ही नहीं आम आदमी पार्टी भी इससे अछूती नहीं है। आम आदमी पार्टी जो तीसरा विकल्प बनने का दावा कर रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के घर में भी बगावत की आग धधक रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और निष्ठावान नेता अब पार्टी तक छोड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि आम आदमी पार्टी किस आधार पर ताल ठोक रही है कि तीसरे विकल्प के रूप में जनता उन्हें मौका देगी, और क्यों आखिरकार पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसे ही चेहरे मौजूद हैं जो कल तक आम आदमी पार्टी के चेहरे थे, लेकिन नाराज होकर उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। आखिरकार क्यों? हमारे साथ मौजूद है संजय भट्ट जी। भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। धन्यवाद न्यूज वर्ल्ड इंडिया के सभी दर्शकों का और तिलक चावला जी आपका तो हमेशा ही धन्यवाद रहता है। भट्ट जी, एक बात आपसे जानना चाह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को सींचने का काम आप कर रहे थे, ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ ऐसा कि आपने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया, क्यों, क्या वजह? देखिए तिलक जी, आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही थी, नो डाउट। अगर हम 8 महीने पहले की बात करें तो आम आदमी पार्टी का उस टाइम बिजली फ्री बिजली कैंपेन जो चल रहा था बहुत अच्छा चल रहा था, और ऐसा लग रहा था एक टाइम कि 15-18% वोट आम आदमी पार्टी को आ जाएगा। सीटें तो अंतिम दिन पता चलती हैं कितनी सीटें आएंगी कितनी नहीं आएंगी, लेकिन उसके बाद जब आज तक पहुंचे हम, इन 8 महीने के दौरान जो क्रियाकलाप हुए, मुख्यमंत्री बदले और उसके बाद हमारे धामी जी क्या नाम जो आम आदमी पार्टी के हमारे प्रभारी हैं मोहनिया जी, तो धामी जी और मोहनिया जी ने मिलकर आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड से खत्म कर दिया। खत्म कर दिया, बिल्कुल। कैसे? देखिए, धामी जी ने तो धाकड़ धामी की तरह से काम किया, जैसे राजनाथ जी बोल के गए और उन्होंने जो बल्लेबाजी की उससे विपक्ष सारा ही लगभग खत्म होने की ओर गया। लेकिन जो हमारे अपनी पार्टी के दिल्ली से आए प्रभारी दिनेश मोहनिया जी हैं, उन्होंने टिकट ही इस प्रकार से बांटे हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में गर्त में चली जाए। और वो गर्त में कह रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में फिक्सिंग हो चुकी है। हाँ, ऐसी भी कयासबाजी है लोगों के बीच में, बातचीत है कि फिक्सिंग हो चुकी है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि देखिए, धामी जी का तो काम ही है कि वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, दूसरी पार्टी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन जो आप अपनी पार्टी में, अपनी पार्टी के अंदर ही इस प्रकार के व्यक्ति बनकर बैठे हो, यानी कि दिनेश मोहनिया जी और राजीव चौधरी जी या उर्फ राजीव कुमार जी जो सह प्रभारी हैं, इन लोगों ने आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में खत्म करने का काम किया। दीपक जी, मैं ना आम आदमी का फाउंडर मेंबर हूँ। 2011 से अन्ना मूवमेंट में रहा, 2013 में जब आम आदमी पार्टी बनी मैं दिल्ली में का फाउंडर मेंबर, और 2013 में जो चुनाव हुआ पहला दिल्ली कैंट में काम किया अपने साथियों के साथ देहरादून से ले जाके, 2015 के दिल्ली कैंट में भी चुनाव में भी दिल्ली कैंट में काम किया। लगातार हम लोग काम करते रहे, लेकिन उसके बाद भी कुछ गड़बड़ हो गई थी और बीच में मैंने छोड़ भी दी थी। लेकिन जब दोबारा से आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम उत्तराखंड में फोकस करेंगे, उत्तराखंड में लड़ेंगे, मैं दोबारा 2020 में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी से जुड़ा। और आम आदमी पार्टी का जो चल रहा था सब कुछ, लोग जुड़ भी रहे थे, अच्छे लोग आ रहे थे, बहुत बढ़िया बढ़िया लोग आ रहे थे, लेकिन अब सब बढ़िया बढ़िया लोग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? सिर्फ संजय भट्ट तो गए, और कौन गया? देखिए, ऐसा तो कह सकते हैं कि सिर्फ संजय भट्ट गए, रविंद्र जुगरान जी इतना अच्छा नाम था, बहुत अच्छा, संजय भट्ट से लाख दर्जे अच्छे। लोग अपने से अच्छा नहीं बताते किसी को राजनीति में, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि रविंद्र जुगरान जी जो जनता के लिए लड़ते आए, उत्तराखंड आंदोलनकारी, एक बड़े उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, आज भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश प्रवक्ता हैं। आज की बात करें, आज की तो मेजर जनरल रिटायर्ड चंद्र किशोर जखमोला जी कोटद्वार से, जो प्रदेश वाले, हाँ कोटद्वार वाले प्रदेश उपाध्यक्ष, आज उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। IPS अनंत राम चौहान जी, उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, जो प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष थे। एक IAS भी आए थे, उनका नाम भूल रहा हूं मैं, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दी, और लगातार लंबी लाइन है। वजह क्या है? लंबी लाइन है। नहीं भट्ट जी, देखिए कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भट्ट जी ने चलिए काम किया, भट्ट जी ने आम आदमी पार्टी को सींचने के लिए दिन रात एक किया, लेकिन भट्ट जी टिकट चाह रहे थे, नहीं मिला, इसलिए चले गए।
नहीं देखिए ये भी कह रहे हैं। हाँ, तो कहने में कोई बुराई भी नहीं है, इसमें बुरा क्या है? लेकिन होता क्या था अंदर, अंदर की राजनीति क्या थी? ऊपर से तो बहुत अच्छा अच्छा लगता है आम आदमी पार्टी में, लेकिन अंदर खेल क्या था? देखिए खेल तो जो भी होगा वो एक अलग बात है, लेकिन आप मेरी जो बात थी, मैं इस बात पर पार्टी छोड़ के आया कि देहरादून महानगर यानी दून शहर जो है उसमें 6 सीटें हैं। ठीक, 6 सीटों में से एक भी सीट किसी भी गढ़वाली व्यक्ति को आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया। क्या चाहते हैं आप लोग? जैसे वो यूकेडी है, आप तो एमकेडी हो गए यानी मैदानी क्रांति दल हो गए। आप कहां रही? आप तो मैदानी क्रांति दल बन गए ना। आपने एक कम्युनिटी को खत्म करने की कोशिश की। कौन सी कम्युनिटी? गढ़वालियों को, जिन 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 लोगों ने लड़के उत्तराखंड में गढ़वाली को टिकट दे दिया। नहीं, देहरादून की 6 सीटों में एक भी गढ़वाली। आप तो क्षेत्रवाद कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं। हां कर रहे हैं, क्यों ना करें, कौन नहीं करता है? मौर्य जी छोड़ के चले गए वहां पूर्वोत्तर पूर्वांचल में, क्या कह रहे हैं वो? निषाद साहब क्या कह रहे हैं पूर्वांचल में? कुर्मी लोग क्या कह रहे हैं? पटेल साहब क्या कह रहे हैं पूर्वांचल में? जाट लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कह रहे हैं? आप गढ़वालियों के ठेकेदार बन गए कि मैं पार्टी भी छोड़ दूंगा। नहीं, मैं ठेकेदार क्यों होता हूँ? मैं तो एक अकेला आदमी हूँ ना। ठेकेदार तो वो बने हैं दिनेश मोहनिया जी, नॉन गढ़वालियों के। ये तो कम्युनल बात हो गई ना। आप कहते हैं ट्रिपल सी है आपकी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में, तो आप कम्युनल नहीं हो गए कि आपने सब गढ़वालियों को एक तरफा कर दिया? जबकि आज 6 में से 4 जीते हुए विधायक गढ़वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज भी 4 गढ़वालियों को टिकट दिया है 6 में से, और 2 को नॉन गढ़वाली को दिया, यानी मिक्स है सब कुछ, सबका बराबरी का हिस्सेदारी है, तो गढ़वालियों को भी दिया, नॉन गढ़वालियों को दिया। इसके पीछे वजह क्या लगती है आपको बट जी, क्या वजह लगती है? क्यों आखिरकार आपके प्रदेश प्रभारी ने ऐसा किया? और क्यों आपके तो मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं कर्नल कोठियाल साहब, उनको तो मालूम होगा ना सब कुछ, या आपने उनको भी नहीं बताया था? नहीं, कर्नल कोठियाल जी की तो सारी जिम्मेवारी है उनकी, उनसे तो मैं सवाल, जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने वही तो सवाल कर्नल कोठियाल साहब से पूछा, वो जवाब नहीं दे रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने सवाल ये पूछा, कर्नल साहब जैसे दूसरे पार्टी के अध्यक्ष हैं या मुख्यमंत्री हैं या मुख्यमंत्री का अघोषित चेहरा है, अगर उनकी पार्टी में टिकट की बंटवारे में या कुछ भी हो रहा है तो उनकी जिम्मेदारी है, वैसे ही आपकी जिम्मेदारी है। कर्नल साहब तो हर पीसी में ये कहते थे कि बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली से संचालित होती है और इनका आलाकमान संचालित करता है, और आम आदमी पार्टी ऐसे नहीं होगी, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड से ही संचालित होगी। तो जवाबदेही तो कर्नल साहब की बनती है अगर दिल्ली से संचालित नहीं है। कर्नल साहब के हाथ में कुछ था या नहीं था, या फिर सब कुछ दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था? दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है ना कर्नल कोटियाल, एक कठपुतली है, कठपुतली है। हाँ, वो सिर्फ घंटी बजा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कैसी कठपुतली है? कठपुतली ऐसी है कि वो, अगर कर्नल कोटियाल खुद गढ़वाली व्यक्ति हैं, अब उनको नहीं चाहिए था कि देहरादून की, देहरादून गढ़वाल मंडल में ही तो है, कोई सहारनपुर में या बिजनौर में थोड़े ना है। यहाँ टिकटें नहीं दोगे गढ़वालियों को तो क्या आप वहां देंगे? पूर्वांचल में देंगे या बिहार में देंगे या उड़ीसा में देंगे या तमिलनाडु में देंगे? जो लोग व्यक्ति जहां का होता है वही तो चुनाव लड़ता है। आपका चेहरा अगर मुख्यमंत्री के रूप में किसी गढ़वाली को बना दिया तो क्या नॉन उत्तराखंडियों को टिकट दिया गया क्या? हाँ? वो भी तो कौन नॉन उत्तराखंडी है? अब मैं आपको बता रहा हूँ, देहरादून की 6 की 6 सीटों पर एक भी गढ़वाली को टिकट नहीं दिया। अब ये गढ़वाल मंडल में यहाँ टिकट नहीं देंगे तो कहाँ देंगे? आज इन्होंने देहरादून में ये खेल खेला। हाँ। कल अगर इनके मान लीजिए 4-6 आ जाते, अब तो नहीं आ रहे हैं, कोई लग नहीं रहा है कि एक भी सीट आम आदमी पार्टी को आएगी, आ जाते तो कल ये पौड़ी में भी ऐसे करते, परसों टिहरी में करते, नरसों नैनीताल में करते, उसके बाद अल्मोड़ा में करते। यानी ये तो कहते हैं कि हमारे पास ऐसी नीति है कि पलायन रोकेंगे, ये तो हमें पलायन करवा देंगे। दिल्ली में बिल्कुल, दिल्ली में 40 लाख। मुझे ये समझाओ ना, आप ये कह रहे हो, आपका ये कहना है कि क्या बीजेपी के कहने पर प्रत्याशी उतारे गए आम आदमी पार्टी के? 100% ऐसा ही दिख रहा है, ऐसा ही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ही प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने यहाँ उतारे हैं। और लोग तो कहते हैं, मैं नहीं कहता ना, मैंने देखा ना, मेरे पास कोई सबूत है, लोग कहते हैं कि मोहनिया साहब 50-60 करोड़ रुपए लेके निकल गए यहाँ से, ऐसा लोग कह रहे हैं। वार्ता में लोगों की बात है, 60 करोड़ में डील हुई है ऐसा कह रहे हैं लोग। मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैंने कोई देखा नहीं है, मेरे सामने ऐसी कोई डील नहीं हुई। लेकिन डील किससे? बीजेपी से हुई है। हाँ, ऐसे ही कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कमजोर प्रत्याशी उतारे, इसीलिए कमजोर प्रत्याशी उतारे। और जो अच्छे प्रत्याशी थे, जो लायक थे, जैसे रविंद्र जुगरान जी, क्या लायक नहीं थे? क्या मेजर जनरल जखमोला जो आज छोड़ के चले गए कोटद्वार से, उन्हें लड़ाया जाता तो वो लायक नहीं थे? बहुत से ऐसे लोग छोड़ के चले गए, और किस लिए छोड़ के चले गए? अगर आपकी मैच फिक्सिंग नहीं हुई है तो किसी ना किसी कारणवश तो छोड़ के चले गए होंगे। नहीं, आप कह रहे हैं अगर मैच फिक्सिंग हुई है उनकी, तो फिर इसमें तो कर्नल कोठियाल भी शामिल होंगे।
देखिए मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मैच फिक्सिंग हुई, मैं कह रहा हूँ ऐसी लोग बात कर रहे हैं कि मैच फिक्सिंग हुई है। उसी से आहत होके तो आपने भी पार्टी को छोड़ा ना? बिल्कुल उन्हीं चीजों से, उसी से आहत होके आपने कहा कि जिन्होंने नॉन गढ़वालियों को टिकट दिया जी, इस बात से मैं आहत हुआ और मैंने पार्टी को छोड़ दिया। तो फिर ये मैच फिक्सिंग अगर हुई है, अगर मुख्यमंत्री पद के चेहरे को इस बात का क्या हो सकता है कि मालूम ही ना हो? आपने तो बताया होगा ना कर्नल कोठियाल, अगर उन्हें नहीं मालूम है तो फिर कैसे नहीं मालूम? आपने बताया कि नहीं बताया? अगर उन्हें नहीं मालूम है, अगर उन्हें नहीं मालूम है तो फिर कैसे हुआ कि उत्तराखंड से ही आम आदमी पार्टी संचालित होगी? यानी आला कमान होगा वहां भी, वहां भी आला कमान के हिसाब से ही आम आदमी पार्टी भी दिल्ली वाला दल सबसे बड़ा छल के हिसाब से ही चलेगी। वो तो कांग्रेस और बीजेपी और आप में क्या फर्क हुआ फिर? वो तो तीनों बराबर हो गई ना, एक जैसी पार्टी है, कोई फर्क नहीं आया। दूसरी बात, अगर कर्नल कोठियाल साहब को पता है तो फिर उन्होंने होने क्यों दिया, और नहीं पता है तो आला कमान से संचालित हो रही है पार्टी, यानी कर्नल साहब सिर्फ कठपुतली बनकर रह गए हैं, वो बेचारे बन के रह गए, इस हिसाब से लग रहा है। आपने बताया था कर्नल कोठियाल? नहीं, कर्नल कोठियाल साहब से मेरी कोई बात नहीं। आपने उनको बताना जरूरी नहीं समझा कि इतना बड़ा खेल हो रहा है आम आदमी पार्टी के साथ? नहीं, देखिए निष्ठावान कार्यकर्ता होने का दावा कर रहे हैं और आपने कर्नल कोठियाल को भी नहीं बताया। कौन किसकी सुनता है? मायावती की पार्टी है ना, एक मायावती जी की, उसमें कोई किसी की सुनता है? केजरीवाल मायावती जी का दूसरा रूप है, वो थोड़ा वैसे चलती हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं और बड़ी होशियारी से मूर्ख बनाते हैं जनता को। होशियारी से मूर्ख जो बनाता है उसको आप पकड़ भी नहीं सकते कि कैसे मूर्ख बना दिया, कब मूर्ख बना दिया। बहुत होशियारी से मूर्ख बनाते हैं, जैसे उस पार्टी में टिकट बिकते हैं करोड़ों रुपए में, इस पार्टी में भी ये खेला हुआ है और कई लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ के जाते हुए ये कह कर गए हैं कि मुझसे 30 लाख रुपए मांगे गए, यानी जिस पार्टी की जितनी कीमत है वो उस हिसाब से, मतलब एक टिकट की कीमत 30 लाख रुपए, एक टिकट की कीमत 30 लाख रुपए, ऐसा कई लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ के जाते हुए बोल के गए। नहीं तो कौन मांग रहा था 30 लाख रुपए? मोहनिया जी की टीम, प्रभारी मोहनिया जी की टीम के ऊपर आरोप लगे हैं, सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। कई लोगों ने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने आरोप लगाए हैं, साफ साफ सीधे सीधे आरोप लगाए जी, 30 लाख रुपए मांगे जा रहे थे जी। लेकिन जो स्थिति अभी उत्पन्न हुई, आपने जरूरी क्यों नहीं समझा कि कर्नल कोठियाल को मैं बता दूं, कम से कम आम आदमी पार्टी जिसको मैंने खड़ा करने की कोशिश की उत्तराखंड में, कम से कम कर्नल कोठियाल को मालूम तो हो कि चल क्या रहा है। नहीं, कर्नल कोठियाल क्या न्यूज नहीं पढ़ते हैं? क्या वो पोर्टल नहीं देखते हैं? क्या वो किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं? वो भी तो यही रहते हैं। मैं भी तो न्यूज पोर्टल से पढ़ता हूँ या अखबार से पढ़ता हूँ या सोशल मीडिया पे देखता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ, तो सब लोग भी ऐसे समझदार। जिनकी लड़ाई लड़ी आपके साथ कौन आया? आपने कहा कि गढ़वालियों को टिकट नहीं दिया, कोई आया आपके साथ? देखिए मैं लगभग 30 साल से सड़कों पर हूं और जब हम लोग लड़ाई लड़ते हैं ना जिस जनता के लिए, उसी जनता में से निकल के एक कहता है ये तो ब्लैकमेलर है। 2007 से मैं आरटीआई लगा रहा हूँ, 2007 से 2005 में आरटीआई का कानून आया था, 2007 से लगा रहा हूं। आपको भटकी टिकट नहीं मिली इसलिए आप ये आरोप लगा रहे हैं? मैंने कहा कि 6 में से 2-4 तो टिकट दे देते गढ़वालियों को, संजय भट्ट को छोड़ देते, रविंद्र जुगरान जी को दे देते, राकेश काला जी प्रदेश प्रवक्ता थे भाजपा में चले गए वो, उनको दे देते, आप अशोक सेमवाल जी आज भी पार्टी में उनको दे देते, गणेश कुड़ियाल जी आज भी पार्टी में उन्हें दे देते, नवीन बिष्ट जी को आपने निष्कासित कर दिया कैंट वालों को, उनको दे देते, किसी को तो देते। सामंजस्य मेरा ये नहीं कहना है बिल्कुल भी कि 6 के 6 टिकट गढ़वालियों को दे देते, मैं कह रहा हूँ 6 सीट है, 2-3 तो गढ़वालियों को टिकट दे देते। आपने तो रायपुर से जिसे टिकट दिया उस पर अभी कोर्ट के आदेश से 71 लाख की जमीन की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ, 2 आम आदमी पार्टी के 2 प्रवक्ताओं समेत 7 लोगों पर, उनमें से एक को आपने रायपुर का टिकट दे दिया, आप कहते हैं CCC है आरोपी है। जी कोर्ट के आदेश से जमीन में, जमीन का घोटाला, जमीन की खरीद में पैसे ले गए, ऐसा कोर्ट का आदेश से मुकदमा दर्ज हुआ है रायपुर से जो प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के, अभी 1.5-2 महीने पहले कोर्ट के आदेश से मुकदमा दर्ज हुआ है, कोर्ट ने आदेश दिए, उनको आपने टिकट दिया। ये फिर कह रहे हैं हम किसी बाहरी को टिकट नहीं दे रहे, किसी को भी हमने बुलाया नहीं, जिनके ऊपर आरोप थे हम उनको लेते नहीं हैं पार्टी में। बिल्कुल सही बात है। अब मैं बता रहा हूँ 2 प्रवक्ता जिनके ऊपर अभी आरोप लगा और एक सुभाष भट्ट जी हैं, उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया है कोर्ट के आदेश से, वो मुकदमा दर्ज हुआ है
दो प्रवक्ता हैं, एक प्रवक्ता को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और नए नए उनको वो दे रहे हैं, पद दे रहे हैं, और दूसरों को टिकट दे दिया है, और दोनों 71 लाख की जमीन घोटाले में 400 BC के मुकदमा कोर्ट के आदेश से हुआ। मेरे आदेश से तो नहीं हुआ, मैंने तो नहीं कहा, मैंने भी न्यूज पढ़ी है, अखबारों में, सारे अखबारों में आया, जो मुख्य अखबार है देहरादून में। आरोपियों को टिकट दिया, हाँ हाँ, 100% आरोपियों को टिकट दिया है, जिनपे भ्रष्टाचार के आरोप है, जिनपे 400 BC के आरोप है, उनको टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने। और आपने, चलिए, कर्नल कोठियाल को नहीं बताया, आपने प्रदेश प्रभारी को बोला कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों आपने नॉन गढ़वालियों को टिकट दिया, गढ़वालियों को क्यों नहीं दिया, पूछा आपने? देखिए, जब उन्होंने हमारी सुननी नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ तिलक भाई, ये कैसे लोग हैं। जब मान लीजिए आप प्रभारी हैं, मैं आपके पास आया, बैठ के बात कर रहा हूँ, वहां से कोई पैसे वाला आ जाता है तो मुझे आंखें ऐसे करके निकल, मतलब यहां से, इस प्रकार का व्यवहार करते हैं दिनेश मोहनिया जी अपने आम आदमी पार्टी के प्रदेश लेवल के नेताओं से। कैसे मतलब, बाहर निकल जाइए? चलिए, मुंह से नहीं बोला, ऐसे करा निकल के, मतलब पैसे अच्छा। वाली पार्टी अब सामने आके बैठ गई। अच्छा, ये इनका मतलब व्यवहार है कार्यकर्ताओं के साथ। तो मतलब जो आप कह रहे हैं डील कैसे होती थी, कैसे डील होती थी? मेरे सामने कोई डील नहीं हुई, मैं ऐसा कोई आरोप डायरेक्ट नहीं लगा रहा हूँ, जनता में जो बात है मैं वो कह रहा हूँ। और मेरा तो सीधा सा कहना है कि उत्तराखंड में गढ़वालियों को वो टिकट नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? दिनेश मोहनिया जी बताए ना कि उन्होंने, दिनेश मोहनिया जी एक जाति से आते हैं, सब लोग एक जाति से आते हैं, वो गडरिया समाज से आते हैं, और उन्होंने उत्तराखंड में आधा दर्जन लोगों को प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश सचिव, ये वो सो गडरियाज को बनाया है। तो आप कम्युनल नहीं हो क्या? मतलब आप अपनी जाति की बात करें, जिनकी 1% 1.5% भी यहां गिनती नहीं है, और हम गढ़वालियों की बात ना करें, ये कैसी बात है? आप तो खुद कम्युनल है, आप कहते हैं ट्रिपल सी है आम आदमी पार्टी में, कम्युनल नहीं होना चाहिए, करप्ट नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। आप तो सबको टिकट दे रहे हैं, सबको पदाधिकारी बना रहे हैं, आपने अभी आजाद अली जी को ज्वाइन करवाया, प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया आम आदमी पार्टी में। उनके ऊपर पूर्व में एक महिला, हिंदू महिला ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उनको अश्लील फोन किए, अश्लील बातें की फोन पे, और होटल में बुलाया। ऐसे आदमी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है, जिसपे पूर्व में ऐसे आरोप लग चुके हैं। और किसको बनाया? और भी बहुत लोगों को बनाया। नहीं, आप कह रहे ना जातिवादी है, कौन कौन है, किस किस के नाम है? ठीक है, देखिए, कोई किसी जाति से है, मेरे को उस व्यक्ति से तो कोई आपत्ति नहीं है, किसी व्यक्ति से मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर वो कोई बेदाग है, वो दाग नहीं है, तो उसके लिए क्यों अनर्गल या गलत बोलना? वो अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सब लोग खराब व्यक्ति हैं और बुरे व्यक्ति, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सिनेरियो देखे ना, हर व्यक्ति अपनी जाति या कास्ट या क्षेत्र के साथ थोड़ा थोड़ा संबंध रखता है और दिल में उसके होता है। आप फाउंडर मेंबर है यहाँ आम आदमी पार्टी के, लगातार मेहनत भी कर रहे थे, ग्राउंड जीरो पर भी काम कर रहे थे जी, लोग भी आपने जोड़ लिए थे साथ में जी, टीम भी बना रहे थे जी, मन में अफसोस तो होगा ना कि इतना सब कुछ सपना संजोया था और सब कुछ धरा का धरा रह गया। देखिए, मैं चावला जी एक गरीब आदमी, ऐसा व्यक्ति जो एक नदी के किनारे रहता है, आखिरी में क्या होता है राजनीतिक दल में, आप जितनी मेहनत कर लो, 2 साल 5 साल लगाकर, आखिरी में एक पैसे वाला सामने आ जाता है और आपको कहा जाता है चलिए हो गया आपका, आपको जितना यूज करना था यूज कर लिया। आम आदमी पार्टी एक एक कार्यकर्ता को यूज करती है, सिर्फ और सिर्फ यूज करती है। केजरीवाल जी का एक वीडियो आपने देखा होगा चावला जी, मुझे याद आया कि उन्होंने कहा जो भी टिकट के लिए आया है आम आदमी पार्टी में, वो आज पार्टी छोड़ दे, देखा ही होगा, सब लोगों ने देखा है, ठीक है जी। और जिन कार्यकर्ताओं को नैनीताल में 2 साल से मेहनत डॉक्टर आर्य कर रहे थे, उनको टिकट हो गया, आखिरी दिन जिस दिन नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, उनका टिकट काट लिया और हेमारिया जी को टिकट दे दिया गया। तो आप एक तरफ तो कार्यकर्ताओं को कहते हैं टिकट के लिए ना आए, और जो एक हफ्ते में 3 पार्टी बदल के व्यक्ति आया उसको तुरंत टिकट दे देते हैं, तो क्या आपने पैसे लिए उससे? किस लिए दिया उसको टिकट? किस लिए उन कार्यकर्ताओं का टिकट काटा गया? स्पष्ट है आपकी कथनी और करनी में अंतर है, कार्यकर्ताओं के लिए आपके अलग नियम है और टिकट बांटने के लिए आपके अलग नियम। तो मोहिनी जी इतना सब कुछ कर रहे थे तो कम से कम केजरीवाल को तो बता देते आप, केजरीवाल जी को बता देते कि उत्तराखंड में ये खेल हो रहा है, टिकटें खरीदी और बेची जा रही हैं। देखिए, केजरीवाल जी 4-6 बार उत्तराखंड आ गए, मेरी एक बार भी मुलाकात नहीं, एक बार भी, मैं प्रदेश का प्रवक्ता आम आदमी पार्टी का होते हुए एक बार भी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मोहनिया जी, राजीव चौधरी जी,
जिसको चाहते थे सिर्फ वही लोग अंदर जाते थे, दूसरे लोग कोई अंदर जा ही नहीं सकते, केजरीवाल जी से मिल ही नहीं सकते। नहीं तो प्रदेश कार्यालय में भी पक्षपात होता था। हाँ बिल्कुल पक्षपाती तो है ये, अगर आपको मिलने ही नहीं दिया जा रहा आपको किस लिए प्रवक्ता बनाया हुआ। एक प्रेस रिलीज दिल्ली से पास होकर आएगी, उसको चाहे उमा सिसोदिया पढ़े या नवीन पिरसाली पढ़े या संजय भट्ट पढ़े, प्रदेश कार्यालय में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसे पढ़ के सुना दिया जाता है। आप अपने मन से कुछ भी बोल नहीं सकते हो, जो दिल्ली से लिख के आया वही। दिल्ली से लिख के आती स्क्रिप्ट? हाँ दिल्ली से लिख के आती है प्रेस स्क्रिप्ट, ये मुझे नहीं पता टीम लगी होगी जो भी होगा, लेकिन जो आती है वही आपको पढ़ के सुनानी है। वही वालों को क्या पता कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है? वही नहीं, ऐसा नहीं है, उत्तराखंड में भी एक टीम सेटअप करी हुई है जिसमें पत्रकार भी रखे हुए हैं, सब कुछ रखे हैं, किसी की 35,000 तनख्वाह है, किसी की 70,000 तनख्वाह है, किसी की 1,00,000, किसी की 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, 35 लोग रखे हैं प्रदेश कार्यालय में ऐसे। अच्छा हाँ, जिनकी मोटी मोटी तनख्वाह है और वो सब लोग देख रहे हैं इसको और वही बना के दिल्ली भेजते हैं, दिल्ली से पास होकर आती है तब वो हम लोग पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ नहीं बोल सकते। एक दिन जूम मीटिंग हुई सारे प्रवक्ताओं की, उत्तराखंड के, दिल्ली की टीम साथ में थी। उस जूम मीटिंग में मैंने कहा कि हम ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम दो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज करते हैं उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने लोकायुक्त लोकपाल पर नहीं की। क्यों? हमें करनी चाहिए कि हाँ नहीं किए, बस खत्म। आप समझ रहे हैं बात? लोकायुक्त का मुद्दा ही नहीं उठाया आपने। हाँ मैंने उठाया खुद जूम मीटिंग में। आम आदमी पार्टी ने कहां उठाया? वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने इस मुद्दे को अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे उठाया। तो कि भाई कहा कि नहीं उठाना? हाँ नहीं, हमने नहीं किया, बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बोले, मतलब वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे कि लोकायुक्त का। हाँ लोकायुक्त का मुद्दा उत्तराखंड में आना नहीं चाहिए। अच्छा क्यों? वो तो अरविंद केजरीवाल तो उसी की लड़ाई लड़ रहे थे। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है, मैं तो खुद हद पर रख दूं कि ये क्या है। मैं तो आश्चर्यचकित हो रखा हूँ उस दिन से, सोच रहा हूँ कि क्या है ये, मतलब मैं खुद कह रहा हूँ कि लोकायुक्त पे हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, हमने एक भी नहीं किया आज तक, इतनी सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कर दिए तो मना कर दिया गया। अभी भी कर लेना आम आदमी पार्टी, अभी तो चुनाव होने में बाकी है ना, 10 फरवरी को वोटिंग है, अभी तो 12-15 दिन है बीच में, आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि हम लोकायुक्त उत्तराखंड में लेके आएंगे, दिल्ली तो अर्ध राज्य था ये पूर्ण राज्य यहाँ तो बना देंगे, कहे, क्यों नहीं कहती आम आदमी। अच्छा भट्टी एक बात बताइए, अभी हाल ही में न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने एक खुलासा किया था, खुलासा क्या था कि गणेश जोशी जो कि खुद कैबिनेट मंत्री हैं जी, उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नल कोठियाल कौन से फौजी हैं, केदारनाथ की फाइलें खुल जाएगी तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा, बहुत कुछ है केदारनाथ की फाइलों में, कर्नल कोठियाल तक को वीडियो हम लोगों ने दिखाया, किसी तरह का कोई रिएक्शन क्यों नहीं आया? मैं ये जान सकता हूं, हम लोग पूछ रहे हैं कि आपके ऊपर इस तरह के संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं, बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं, नेता नहीं कैबिनेट मंत्री आरोप लगा रहा है, फिर भी खामोशी, चल क्या रहा है? मैंने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया में, फेसबुक में किसी ने डाल रखा था, और उसमें एक व्यक्ति होटल के अंदर से आता है, दो लोग उसे पकड़ के लाते हैं, फिर तीन महिलाएं वहां खड़ी होती हैं, उन तीन महिलाओं से वो कुछ बात करने लगते हैं, और फिर उनमें से दो महिलाएं चली जाती हैं, तीन लोग उस व्यक्ति को पकड़ते हैं और फिर बाहर की तरफ ले जाते हैं। शायद आपने भी देखा हो, सभी लोगों ने देखा, आरोप लगे थे, ड्रिंक करी हुई थी और टल्ली, मतलब तीन लोग जिसे, तीन लड़के जिन्हें पकड़ के ले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे हालात में ऐसा मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी आम आदमी पार्टी? सोचने की बात है। और गणेश जोशी जी, आपके पास ऐसे फाइलें हैं, आपने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, तो आप उस फाइल पे कार्यवाही क्यों नहीं करते हो? क्यों कार्यवाही नहीं करते हो गणेश जोशी जी? आपके पास अगर ऐसी कोई फाइल है, आपने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, क्या इसी वजह से तो मैच फिक्सिंग नहीं हो रखी बीजेपी और आम आदमी पार्टी? वो तो कर्नल कोठियाल और गणेश जोशी जी जाने, गणेश जोशी जी के लिए भी लोग विभिन्न पोर्टल्स पे आकर बोल रहे हैं कि भैया आप बताओ कि आपको सेवा मेडल कब मिला, आप कितने साल सर्विस में रहे, कौन से फौजी हो आप, फौजी भी हो कि भगोड़ा फौजी हो, ये गणेश जोशी जी के लिए बोल रहे हैं। और गणेश जोशी जी अगर ऐसा कहते हैं कि हमारे पास केदारनाथ की फाइल है और उसमें घपला घोटाला करा हुआ है कर्नल कोठियाल ने, तो पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाला मंत्री यानी वो खुद भ्रष्ट हो गया, वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, उनके गणेश जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अच्छा भट्ट जी एक बात बताइए, कर्नल कोठियाल कैसे नेता लगते हैं आपको? कैसे नेता हूं कर्नल कोठियाल? कर्नल कोठियाल नेता नहीं है। नेता नहीं है? नहीं नेता। क्यों?
वो तो चेहरा है आम आदमी पार्टी। हाँ चेहरा आम आदमी पार्टी ने उन्हें घोषित किया, लेकिन उनके अंदर नेता वाले गुण नहीं है, उनको बोलना भी नहीं आता। एक दिन में उनका देख रहा था, एक जगह वो बोल रहे थे जब युवा संवाद शायद कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं जब वहां पे पोस्टेड था कश्मीर में, तो सामने से उग्रवादी आ गए और मेरे हाथ कांपने लगे। वीडियो होगा, आप अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। हाथ कांपने लगे, मुझसे गोली नहीं चली, मेरे साथ वाले जो थे उन्होंने गोलियां चलाई और वो उन सात आतंकवादियों को मारा। एक नेता ऐसा नहीं बोल सकता। और एक तरफ आप कहते हैं मैं फौजी हूं, मैंने देश की रक्षा की है, वो तो कहते हैं गोलियां लगी। दूसरी तरफ आप कहते हो कि मेरे हाथ कांपते थे सेना में रहते हुए। मतलब कर्नल कोठियाल कैसे, मतलब व्यवहारिक तौर पर कैसे व्यक्ति हैं? अब व्यवहारिक तौर पर क्या कहें उनके बारे में, वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें कैसे दिख रहे हैं आप देखिए, महिलाओं के साथ उत्तराखंड में ऐसी, उसमें सत्यता लगती है? अब सत्यता तो ये तो जांच का विषय है ना, तो सरकार जांच कराती है और ना कुछ करती है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस तो आपने उत्तराखंड में देखी है, एक कहती 56 घोटाले, दूसरा 65 घोटाला, गिरफ्तार आज तक कोई नहीं होता। वही घोटालेबाज उस सरकार में होते हैं, वही घोटालेबाज इस सरकार में होते हैं, तो तीसरे में भी क्या बुराई है, उसमें भी घोटालेबाज हो सकते हैं। और ऐसे लोगों को टिकट दिया गया। संजय भट्ट जी, मैं क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, चलते चलते मैं एक बात, ये इस मंच के माध्यम से, क्योंकि इस वक्त जनता भी आपको उत्तराखंड की लाइव देख रही है और आम आदमी पार्टी के नेता भी इस वक्त आपको देख रहे होंगे, कोई संदेश कर्नल कोठियाल को देना चाहते हैं? नहीं, कर्नल कोठियाल को मैं अब क्या संदेश दूंगा, कर्नल कोठियाल ने तो बर्बाद कर दी आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जितने आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे उन सब कार्यकर्ताओं को घर बैठने पर विवश कर दिया है। तो क्या मैं हैरानी हुई, आपने कहा था कि हम वो स्क्रिप्ट पढ़ते थे जो दिल्ली से आती थी, क्या आपके नवीन परसियाली और सिसोदिया मैडम भी वो भी यही पढ़ती थी? हाँ, उन्होंने कभी विरोध नहीं जताया? कर्नल कोठियाल भी यही पढ़ते, कर्नल कोठियाल भी यही पढ़ते। हाँ, जब वो वहां बैठे होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर करते हैं तो जो दिल्ली से स्क्रिप्ट आती है वही पढ़ते। तो आपके प्रवक्ताओं ने कभी विरोध नहीं जताया जैसे आपने विरोध जताया? तो मैंने बताया, तो मेरे सामने तो किसी ने नहीं जताया। मुझे भी कहा गया था कि आपको मेयर का टिकट दिया जाएगा, आप बने रहिए। मैंने कहा मैं अपने लिए नहीं लड़ता हूं, मैं उत्तराखंड आंदोलन। किसने रोका था आपको जी? किसने रोका था आपको किस चीज के लिए कि मेयर का टिकट दे देंगे, किसने बोला था आपको? आम आदमी पार्टी के ही लोगों ने बोला जो प्रदेश कार्यालय में हैं, जिनके पास प्रदेश कार्यालय की जिम्मेवारी है, उन्होंने बोला था जी कि मत जाओ भट्ट जी, मत जाओ, आप मेयर की तैयारी कीजिए, आपको मेयर का टिकट दिया जाएगा, आपको मेयर। मैं महत्वाकांक्षी होता इतना तो मैं मेयर के लिए रुक जाता और सोचता कि मैं मेयर बन जाऊं। अच्छा चलिए, कर्नल कोठियाल को कुछ नहीं कहना चाह रहे, चलते चलते उत्तराखंड की आवाम को क्या बोलेंगे? उत्तराखंड के सभी पहाड़ी भाइयों बहनों को, गढ़वालियों को, कुमाऊनी को, और जो भी उत्तराखंड से प्यार करता है वो किसी भी क्षेत्र धर्म जाति का हो, आम आदमी पार्टी को वोट मत दीजिएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को दिया गया आपका एक एक वोट देहरादून में गढ़वालियों को कमजोर करेगा। अगर आप गढ़वालियों को कमजोर करना चाहते हैं तो जरूर वोट दीजिएगा आम आदमी पार्टी को, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गढ़वाली मजबूत हो तो आप आम आदमी पार्टी को एक भी वोट नहीं दीजिएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने रंग ढंग दिखा चुकी है और करप्ट लोगों को, क्रिमिनल लोगों को टिकट दे चुकी है। और यहाँ पर जैसे यूकेडी होती है वैसे एमकेडी यानी मैदानी क्रांति दल के रूप में उत्तराखंड में उभर चुकी है। पहाड़वासी एक भी वोट ना दें आम आदमी पार्टी। आपका अनुमान क्या कहता है, कितनी सीटें आएंगी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में छठे नंबर पर रहेगी। छठे नंबर पर जी, तीन चार तो पार्टियां हैं, मैं बता रहा हूँ, बता दू, बता दी आप, अगर आप किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को 42 से 48 सीटें आ जाएंगी। दूसरे नंबर पे कांग्रेस रहेगी, 13 से 18 सीटें आएंगी। तीसरे नंबर पर निर्दलीय रहेंगे जिन्हें 5 से 8 सीटें आएंगी। चौथे नंबर पर बीएसपी रहेगी, बीएसपी को 4 तक सीटें आ सकती हैं। पांचवें नंबर पे यूकेडी रहेगी, उसे भी लगभग 4 तक सीटें आ सकती हैं। और छठे नंबर पे आम आदमी पार्टी रहेगी जिसे 0 से 3 सीटें आएंगी। कर्नल कोठियाल सीट जीत रहे हैं, हार रहे? कर्नल कोठियाल को लगभग 7,000 वोट पड़ जाएंगे। जमानत नहीं बचेगी, बच जाएगी? 15% शायद जमानत के लिए 12-15% होता है, वो कितने वोट पड़े उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब कर्नल कोठियाल भी हारेंगे 100%। भट्ट जी मतलब बीजेपी में जा रहे हैं आप? ना मुझे भाजपा में जाना है, ना यूकेडी में जाना है। मेरे पास तीन ऑप्शन है, नोटा, यूकेडी, बीजेपी, तीनों में से एक को वोट जरूर दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच जी। तो ये थे हमारे साथ संजय भट्ट, जिन्होंने खुलकर अपनी बात को रखा और आरोप बेहद गंभीर लगाए, जिनका कहना यह है कि आम आदमी पार्टी में इस वक्त
खेल चल रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, मैच फिक्स हो चुका है। आरोप बेहद संगीन है कि प्रदेश प्रभारी खुद इस खेल में शामिल है और खुद कर्नल कोठियाल कठपुतली की तरह सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के इशारे पर नाच रहे हैं। सच्चाई क्या है, राजनीतिक आरोप या फिर जमीन पर धरातल पर कहानी कुछ और? फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड।